सा रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की कड़ी मेहनत अब लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें चुनाव आयोग अब नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर नए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया है। इसी कड़ी में दो दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सरगुजा में स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया है। इसके साथ नवविवाहिता वधु सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहिता वधु को सम्मानित किया गया है और सरगुजा और बलरामपुर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की गई है। आज 15 तारीख को हमने अंबिकापुर जिले की और बलरामपुर जिले के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके संबंध में तैयारियों की प्रारंभिक बैठक ली थी और विशेष रूप से हमने जो तैयारी की समीक्षा की है वो यहाँ पर उपस्थित संसाधन खासतौर से ईवीएम वेयर हाउस और एफएलसी जो जून के प्रथम माह में होना है ईवीएम्स का और जो यहाँ के नए मतदाता है उनको जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक ली थी। नववधु सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन सीओ मैडम द्वारा किया गया और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएँ हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में ऐसे छूट जाती है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है। खबर बीजापुर से है, जहां राजस्व पटवारी संघ ने 14 मई तक प्रशासन को मांगे पूर्ण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज फिर 8 मांगों को लेकर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जो प्रांतीय नेतृत्व में एवं निर्देश के अनुसार आज से अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल के रूप में हम जगदलपुर में पूरे बस्तर जिले के पटवारी उपस्थित होकर अपनी जायज 8 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित जगदलपुर में विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने ग्राम पंचायत गरावंड खुद में 5 लाख की लागत से निर्मित रूपशिला माता और परदेशीन माता गुंडी का लोकार्पण किया, जहां वो माता रूपशिला और माता परदेशीन के वार्षिक मेला में शामिल हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर के सुख शांति की कामना की। तो वह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में जगदलपुर जिला रोजगार कार्यालय का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ भाजपा जनता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनके वादा खिलाफी पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। चुनाव के समय जो भ्रष्ट भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं से वादे किए थे कि रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज जब बेरोजगारी भत्ता देने का समय आया है तो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारा कहना है कि जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसको शासकीय एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी गई है, ऐसे सारे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए।
वहीं जगदलपुर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर डेंगू के रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम ने रैली को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और कलेक्टर विजय ने इस अवसर पर कहा कि डेंगू के रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय है कि इसको फैलने वाले मच्छरों के लार्वा को पनपने ही ना दिया जाए। अवसर पर जगदलपुर शहर में रैली के रूप में नगर निगम के जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं और युवोदय के हमारे साथी लोगों के साथ मिलते हुए नगर के प्रमुख रस्तों में आज एक रैली निकाला गया है। उद्देश्य यही था, डेंगू मुक्त बस्तर। बस्तर जिले के जगदलपुर में सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेजान और कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य ने रानसर गीरपाल डेंगरूपाड़ा में पखना चार मार्ग में लाखों रुपए की लागत से बनने वाला 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य और तोलापाल अनुभागीय अधिकार कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया है। साथ ही बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक राजमन बेजान और जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य ने लोगों को संबोधित किया है। तो वही जगदलपुर में कमिश्नर श्याम धावड़े ने बस्तर जिले के दरभरा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण में उन्होंने राजस्व के लंबित प्रकरणों, प्राकृतिक आपदा के लिए मुआवजों के प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार मान्यता प्राप्त और वन अधिकार ऋण पुस्तिका वितरण का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कमिश्नर ने कानूनगो द्वारा दस्तावेजों का बेहतर संधारण करने की सराहना की है। तो वही जगदलपुर में कमिश्नर श्याम धावड़े ने अपने सुकमा प्रवास के दौरान सुकमा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर बधाई भी दी है, जहां कमिश्नर ने अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था की सराहना की। साथ ही हाल ही में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिले पुरस्कार पर भी बधाई दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में ट्रैक्टर और दुपहिया वाहन की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर गंगालूर रास्ते से बीजापुर आ रहा था और उसके पीछे एक बाइक में दो लोग सवार थे, जिसका पता गोदाम के पास दर्दनाक हादसा हो गया है और हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि दूसरे युवक को मामूली चोटें भी आई है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल चिकित्सालय ले जाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।